Are you really ready? Yes! क्या चाहिए लाइफ में, पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर? पर्सनल पावर. अमिताभ बच्चन के पास क्या है? अभिषेक बच्चन. सुनील गावस्कर के पास क्या है? रोहन गावस्कर. इसलिए नया पैटर्न बनाओ. हर दिन क्या है, मौका है कि मुसीबत है? वेरी गुड. कई लोग कहते हैं जो अभी मेरे पास है सब बकवास है, पर जैसे ही जो इस्कॉन में आ जाता है वो कहता है जो भी मेरे पास है मेरे लिए. दिक्कत यही है कि ऑटो सजेशन की कमी है, अपने आप को सुझाव नहीं दे रहे हैं. मैं नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था, पर्सनल स्टोरी बताऊंगा तो जरा एक बारी खड़े हो जाइए, कुछ अमेजिंग बात है. ग्रेट गाइस, ऑटो सजेशन, नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था और मैं देख रहा था वहां गाना चल रहा था, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, और लोग गुनगुना रहे हैं किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है. रॉन्ग ऑटो सजेशन. जब गाना ऐसा सुनोगे किस गली जा रहे हैं, मालूम है नहीं ठिकाना क्या है, गोल स्टेटमेंट की कमी है, तो सफलता कहां से मिलेगी? आर यू विद मी लवली? यस नो. आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. सुबह कॉलेज जाने के लिए नींद खुलती है? स्कूल जाने के लिए नींद खुलती थी? लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है. लाउडली यस नो. क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन. आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, ओए जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है. मन ने समझ लिया जाना है कल. तो भाई मोहम्मद अली क्या बोलता है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. मन को इतना सुझाव देता है, आधी लड़ाई तो वो रिंग में घुसने से पहले ही जीत जाता है. बात बड़ी सिंपल है, मार्शल आर्ट्स में सिखाते हैं ब्लॉक पंच. कम ऑन विद मी एवरीबॉडी, ब्लॉक पंच. लाउडर गाइस, कम ऑन, ब्लॉक पंच, कम ऑन लाउडर, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच. इतना सिखा देते हैं ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच. कोई आदमी आके उस पे अटैक करे वो ठाक ब्लॉक और पंच करता है, सीधा रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है, आदत बनने लग जाती है. चैलेंज यहां पे यही है, आपको फिजिकल और मेंटल दोनों एंगेजमेंट चाहिए. इसलिए माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो. शास्त्रों में बताते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड. डोंट गिव नेगेटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, ऑलवेज गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड. सिंपल. वो लड़की कहती थी स्कूल में, मैं मिला था जिससे, मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, वो क्या कहती थी, मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है डॉक्टर बिंद्रा, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं. आज मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं उसके कारण, आज मैं इतनी परेशान हूं उसके कारण, मैं कभी नहीं सोचूंगी उसके बारे में, मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगी ना कॉलेज में सोचूंगी, उस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी. वो किसके बारे में सोच रही है? उसी के बारे में सोच रही है. यू हैव टू गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड. मैं करियर के बारे में सोचूंगी, पढ़ाई के बारे में सोचूंगी, शेड्यूल के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं, दोस्त किसको बनाना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो कौन से देखने हैं, ऑडियो कौन से देखने हैं, कहां पे जाऊंगी, किससे मिलूंगी, कैसे जीवन बताऊंगी, सफल कैसे होके दिखाऊंगी. पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन. जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अमृतसर से जहाज उड़ा दिल्ली के लिए, आपका जहाज जब बादल में फंसता है तो एयर होस्टेस बोलती है पुट योर सीट अपराइट, वेयर योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स. इमेजिन करो एयर होस्टेस आपको बोले देवियों और सज्जनों, ओए हमारा जहाज बादल में फंस गया है, आप लोग कृपया टेंशन ना लें. पूरे जहाज में क्या हो जाएगा? टेंशन. टेंशन लेने को मना कर रही है. वो कह रही डोंट टेक स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस लेने लग जाएंगे. ओए वाहिगुरु वाहिगुरु, क्योंकि वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही है जी. वो क्या, इसलिए एयर होस्टेस को सिखाते हैं ये मत बोलो कि डोंट टेक स्ट्रेस. वो कहती है आप कुर्सी सीधी कर लें, सीट बेल्ट लगाएं, पुट योर सीट बेल्ट, सिट बैक एंड रिलैक्स. हे कम ऑन, सिट बैक एंड रिलैक्स. आपको लगता है अच्छा अच्छा रिलैक्स करना है, हा हा ठीक है, आदमी टेंशन नहीं लेता है. लेकिन वो बोले स्ट्रेस मत लो तो स्ट्रेस हो जाएगा. इसीलिए
जो माता पिता भी बैठे हैं, बच्चों को ये बोलने की बजाय ये मत करो वो मत करो, उनको बताओ करो क्या, उनको ये बताओ करो क्या, ये मत बताओ, ये मत करो वो मत करो, मन भी ऐसा ही है बच्चे जैसा। डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिंदगी में सफलता के लिए। डिसिप्लिन मजबूरी है कि जरूरी है? जब जिंदगी में मुश्किल आएगी क्या करना है, दोष लगाना है कि सीखना है? You don't blame, you learn. चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। Depressing time में क्या चाहिए, endless hope या hopeless end? Endless hope. Guys, how do you bounce back? Become a possibility scanner. ढूंढो ढूंढो possibility ढूंढो। लोग difficulty ढूंढ रहे हैं, difficulty नहीं ढूंढनी है, possibility ढूंढनी है। Are you with me loudly? Yes, no. डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूले कबूले। निकाह पॉसिबिलिटी से करना, डिफिकल्टी से नहीं। ये बाउंस बैक कहां से आया? कथा उपनिषद से आया। कथा उपनिषद में क्या बोले, उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता, उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई होता है कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंसी से। हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप। वो कमजोर पानी की बूंद है, फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता, क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ओके, एक बारी खड़े हो जाइए, एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा, हाँ बोलो कम ऑन, घोड़े को चलाओ, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया, जंप, ठीक बात है, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया, वेरी गुड, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया, घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जम, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया, केयरफुल गाइस केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। ये पैटर्न बन जाता है, कमान, क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, संस्कार, गिव योर राइट हैंड आउट, कमान, क्या संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है आपकी लाइफ में तो दो चीजों का ध्यान रखिए। पहला, हर नेगेटिव इंसिडेंट में एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है। हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा हुआ है। ढूंढो वो क्या पॉजिटिव मैसेज है, ढूंढो इस नेगेटिव दुर्घटना, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसमें क्या पॉजिटिव है ढूंढो। देखिए आपने सुना है ना, क्या कहते हैं, 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। देखो भैया, बिल्ली हज को जा रही है, अब उसको रोको मत, रोकोगे तो 200 चूहे और खा लेगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो। आर यू विद मी लाउडली? यस नो। कभी कभार ये सोशल प्रूफ गलत हो जाते हैं। अब बिल्ली हज को जा रही है, कुछ सीख के आएगी। देखिए बड़ी सरल सी बात है, आपने सुना है जी, अब पछताए होत क्या, पछताना चाहिए, गलत है, नहीं पछताओगे तो चिड़िया दोबारा चुग जाएगी खेत, रोज चुग जाएगी आकर के। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है, लाउडली कम ऑन, क्या ठीक करना है, कौन करेगा, लाउडली कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा, कौन करेगा,
जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, मेरी होती है। लाउडली किसकी होती है? मेरी होती है। देखिए भाई साहब की अगर शादी हो गई है तो इनसे पूछो, भाई साहब बीवी किसकी है? तो क्या बोलेंगे? कह रहे मेरी है। वो गलती से हमारी है नहीं बोलेंगे, हमारी है बोल दिया तो बाजू वाला